छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में दिग्गजों का दौरा जारी है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बस्तर संभाग के कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रायपुर से ज्यादा बस्तर में सियासी हलचल है। आखिर बस्तर इतना अहम क्यों है, बस्तर से जुड़ा मिथक क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। केंद्रीय नेताओं के दौरे हुए तेज, छत्तीसगढ़ में दिग्गजों की क्यों है रेस? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी के दिग्गजों का दौरा तेज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 10 दिन के भीतर बीजेपी के तीन बड़े नेताओं का दौरा है। 22 जून को अमित शाह दुर्ग संभाग आए, तो 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर संभाग आए और 1 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बस्तर संभाग की कांकेर विधानसभा सीट में रैली की। इसके बाद 7 जुलाई को पीएम मोदी रायपुर आएंगे, मतलब 15 दिनों के भीतर चार बड़े नेता छत्तीसगढ़ के 5 में से 4 संभागों को कवर कर रहे हैं। बहरहाल राजनाथ सिंह के मौजूदा कांकेर दौरे की बात करें तो कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने न सिर्फ बस्तर को वीरों की धरती बताया बल्कि धर्मांतरण का मुद्दा भी छेड़ा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों के लिए घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, गैस कनेक्शन दिया गया है, स्कूल, सड़क और मुफ्त इलाज, पानी जैसी सुविधाएं तेजी से मिलती जा रही है। वही राजनाथ सिंह के साथ साथ पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी विकास का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। ये स्पष्ट हो गया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं, टीएस बाबा ही नहीं राहुल बाबा को भी ले आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में। उधर कांग्रेस की बात करें तो 13 अप्रैल को जगदलपुर में प्रदेश सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया था और उसके बाद बस्तर में सम्मेलन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में ये मिथक है कि बस्तर संभाग को जीतने वाले दल की ही प्रदेश में सरकार बनती है। 2003, 2008 और 2018 के चुनाव में ये मिथक सच साबित हुआ। जिसने बस्तर संभाग की सीटों को अपने पाले में किया, सरकार उसी की बनी। 2003 और 2008 में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 बीजेपी के पास थी। 2018 में कांग्रेस को बस्तर में 12 में से 11 सीटें मिली और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि 2013 का चुनाव इसके अपवाद के रूप में देखा गया। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि बस्तर हार कर भी बीजेपी सत्ता में वापसी में सफल रही। अब सवाल है कि जब बस्तर में 12 सीट ही है तो फिर यहाँ इतना जोर क्यों है? दरअसल 2018 के चुनाव में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और रही सही कसर कांग्रेस ने उपचुनाव में पूरी कर दी, जब दंतेवाड़ा की सीट भी बीजेपी से छीन ली। बहरहाल वोट शेयर की बात करें तो 2008 में बीजेपी को 42.26%, कांग्रेस को 31.73% वोट मिले थे। इसी तरह 2013 में बीजेपी को 40.79% और कांग्रेस को 42.99% वोट मिले थे, जबकि 2018 में बीजेपी को 35.09% और कांग्रेस को 43.37% वोट मिले थे। मतलब बाकी चुनावों की तुलना में 2018 में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को अभी तक बस्तर भेज चुकी है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी बस्तर आ चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं, लेकिन किसी भी नेता ने बस्तर के साथ जो 15 साल इनके सरकार के दौरान अन्याय हुआ, जो बस्तर के आदिवासियों का शोषण हुआ, उनके मूलभूत अधिकारों को जो इन्होंने बंधक बना के रखा था, उसके लिए बस्तर की जनता से माफी नहीं मिला। बस्तर की जनता को भारतीय जनता पार्टी चारागाह समझ रही है, तो ऐसी स्थिति में बस्तर का आदिवासी भाजपा पे भरोसा क्यों करेगा? हम लगातार गतिविधि करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो जीवंत पार्टी है,
जो लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच रहते हैं। हमारा कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, सभी स्थानों पर समन्वित रूप से हम कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को टारगेट करके काम कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में 2023 में हमारी सरकार बने। बहरहाल अब आपको बस्तर संभाग की एक एक सीटों का विश्लेषण बताते हैं। तो जानकारी के मुताबिक बस्तर संभाग की बस्तर सीट की बात करें तो 2008 में यहां बीजेपी जीती, 2013 और 18 में कांग्रेस जीती। इसी तरह कोंटा में 2003, 2008, 2013 और 2018 से लगातार कांग्रेस जीत रही है। तो खबर तो ये है कि 2003, 2008 और 2018 के चुनाव में ये मिथक सच साबित हुआ। जिसने बस्तर संभाग की सीटों को अपने पाले में किया उसी की सरकार बनी। 2003 और 2008 में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 बीजेपी के पास थी। 2018 में कांग्रेस को बस्तर में 12 में से 11 सीटें मिली और प्रदेश में सरकार बनी। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। आइए वो महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। बात 1957 की है जब कुछ सीटों पर दो विधायक चुने गए थे। आरक्षित सीटों पर दो विधायक चुनने की व्यवस्था कायम थी और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।